सभी को पावर मास गेनरी क्यों दिया जा रहा है? मुझे लगता है पावर मास गेनर के अंदर आपको ज्यादा ही पैसे बच रहे हैं। कहीं कंपनी के साथ कोई मिली भगत तो नहीं है आपकी? ऐसा आप कमेंट करते हो और करना जायज भी है भाई, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्स की, जिसको वजन बढ़ाना है, तो नो डाउट भाई 10 में से जो है ना 8 बंदों को मैं पावर मास गेनर सजेस्ट कर रहा हूँ, यार लेके भी जा रहे हैं वो, समझ गए आप? अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कर रहा हूं मैं? अब इसको आप ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। यहां पर भैया जी आए हुए हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। भैया नाम आपका? मेरा नाम रंजित राय है जी। कहां से हैं आप? मैं नरेला से आया हूं जी, दिल्ली नरेला से भैया आए हुए हैं। और भैया क्या लिया था आपने? मैंने मास गेनर लिया था पहले, पावर मास गेनर। हाँ पावर मास गेनर। छोटा बड़ा? छोटे वाला लिया था या फिर पावर एनर्जी प्रो लिया था? अच्छा, गट पावर भी लिया था। हाँ। तो भैया क्या रिजल्ट है पावर मास गेनर? रिजल्ट बहुत बढ़िया है इसके। कितना वजन बढ़ा दिया? 5-6 किलो वजन बढ़ गया आराम से। 5-6 किलो वजन बढ़ गया छोटे वाले से? हाँ। मतलब मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहता हूँ 4-6, 4-6, भैया भी कह रहे हैं 5-6 किलो वजन बढ़ गया। अच्छा भैया, और गट पावर से भूख बढ़ गई? हाँ, उससे भूख जो बढ़ी थी अभी तक रुकी है, मस्त खाना वाना खाने में बहुत बढ़िया लगा। और भैया मास गेनर से जो आपका वजन बढ़ा था वो भी रुका हुआ है? गया, रुका हुआ है, बढ़ रहा है, बल्कि घटा नहीं है। आप ध्यान से सुन लो आप, रंजीत राय भैया मुझे बताओ फिर, मुझे सबको पावर मास गेनर देना चाहिए या नहीं? नहीं देना चाहिए। देना चाहिए ना? हाँ देना चाहिए। सुन लो अब, इसीलिए मैं दे रहा हूँ, मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, जितना मेरा मार्जिन लबराड़ा मास गेनर में है, जितना मेरा मार्जिन मतलब प्रॉफिट आरसी किंग मास में है, जितना मेरा प्रॉफिट अवतार मास गेनर में है, जितना मेरा प्रॉफिट मसल टैक मास टैक में है, उतना ही मेरा प्रॉफिट पावर मास गेनर में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ ऊपर नीचे नहीं, मतलब इतना ही प्रॉफिट है पावर मास गेनर में भी। पर दोस्तों यहां पर मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भैया की तरह 100 लोग अगर पावर मास गेनर खा रहे हैं, 100 लोग तो 90 को रिजल्ट आ रहे हैं, तो भैया मैं क्यों ना सजेस्ट करूंगा उसे। क्योंकि आपने भी एक चीज नोटिस की होगी, मैं सेल के पीछे नहीं हूं, बहुत सारे भैया आते हैं जिनको मैं खाली हाथ लौटा देता हूँ, वीडियोस मैंने बहुत बनाई हैं, और कुछ भैया वीडियो बनवाते हैं, कुछ नहीं भी बनवाते। पर दोस्तों मेरे पास मतलब सप्लीमेंट्स वाला पर आपने देखा होगा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है, देखा होगा, आप कमेंट भी करते हैं कि भैया ये वाला प्रोडक्ट तो आपके पास नहीं है, मैं तो ऑनलाइन बहुत ऐड देखता हूँ इसकी। भैया ऑनलाइन ऐड देख ली आपने, इसका मतलब ये नहीं कि सप्लीमेंट्स वाला पर मिल जाएगा वो आपको, नहीं, यहां पर आपको वही प्रोडक्ट मिलेंगे, वही सप्लीमेंट्स मिलेंगे जिनके रिव्यूज अच्छे हैं। वरना बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो मेरे को मेल करती रहती हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट भी सेल करो, वीडियो बनाओ। भैया नहीं, मैंने आपको परिवार माना है, कभी कस्टमर नहीं माना, और परिवार माना है, इसीलिए मैं आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं। और पावर मास गेनर के इस टाइम सबसे अच्छे रिव्यूज हैं जिनको वजन बढ़ाना है, तो आप भी लो पावर मास गेनर। भैया ने बता दिया, भैया 5 स्टार में से क्या रेटिंग है? 5 में से 5 रेटिंग। अच्छा एक और चीज सुनना, चलो ये तो पावर मास गेनर के बारे में बात होगी, भैया कमेंट करते रहते हैं इसलिए मैंने इतना लंबा थोड़ा लेक्चर दे दिया। सप्लीमेंट्स विला की तरफ से क्या सपोर्ट रहती है? सारी सपोर्ट रहती है। क्या भैया थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब फोन भी आते हैं कई बार जी, पूछते रहते हैं डाइट वाइट के बारे में कि डाइट वाइट चल रही है कि नहीं सही से। हाँ, डाइट भी आ जाती है? हाँ सब आ जाती है, तो ये सपोर्ट भी मिलेगी। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको कोई सवाल करना है डायरेक्ट करो, आप ऐसे थोड़े कमेंट करते हो ना, तो मतलब ऐसा नहीं है पर यार, क्योंकि परिवार हो आप, अब कुछ नेगेटिव कमेंट आएगा तो थोड़ा मुझे लगता है यार कि भैया मैं इतनी ईमानदारी से इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो थोड़ा सा बुरा फील होता है, और कुछ नहीं है। और बाकी चलता रहना चाहिए, सवाल जवाब होते रहने चाहिए, ये भी मानता हूँ मैं, क्योंकि जब आप सवाल जवाब करेंगे तभी तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तभी तो मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगा, वरना अपनी नज़रों में तो हर कोई परफेक्ट ही होता है, तो आप मुझे बताओगे ना। तो पावर मास गेनर आप भी लीजिए, आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो। और भैया से अब मैं पूछूंगा, भैया मुझे बताओ रंजीत भाई, अब तो लेने की जरूरत नहीं है मास गेनर? नहीं। अब कितना वजन हो गया है? अब 71-72 किलो है। 71-72 किलो वजन हो गया है। और ये भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मास गेनर कभी कभार की चीज़ है, एक आधा बार लो टाटा बाय, हमेशा की तरह नहीं खाना उसको, जैसे प्रोटीन है प्रोटीन तो खाते रहो कोई दिक्कत नहीं, पर मास गेनर को बार बार नहीं लेना, एक आधा बार ले लो वजन बढ़ गया टाटा बाय बाय बोल दो उसको, उसके बाद प्रोटीन शोटीन पे आ जाओ। अब मैंने तो भैया को बोला यहाँ पे, मैंने कि भाई 71-72 किलो वजन बहुत है आपका, मेरे हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए, पर भैया ने क्या बोला आप सुनना, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ। जब कभी आप ऑनलाइन को वीडियो देखते हैं, आप मैसेज करते हैं, तो सबसे पहले मैसेज आता है हमारा
कि भैया आपका बॉडी गोल क्या है। बॉडी गोल का मतलब ये होता है कि आपने क्या सोचा हुआ है अपनी बॉडी को लेकर, इसीलिए तो पूछते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे भी मिलते हैं मुझे जिनका वजन है 55 किलो, पर वो वजन नहीं बढ़ाना चाहते, वो चाहते हैं क्या मसल साइज बढ़ाना। और रंजीत भाई जैसे भी हैं जो कि भैया ठीक तो है सब कुछ, पर उसके बावजूद भैया वजन बढ़ाना है, हल्का बढ़ाना है, मसल साइज बढ़ाना है, वजन फिर भी बढ़ाना है इनको। तो भाई अब भैया का बॉडी गोल है, मैं इनको जो है इनके बॉडी गोल के अगेंस्ट ले जाऊं तो वो भी गलत होगा। तो इसलिए हम बॉडी गोल आपसे पूछते हैं कि आपका बॉडी गोल क्या है। तो यहाँ पर भैया को वजन बढ़ाना है, मसल साइज बढ़ाना है, तो यहाँ पर भैया ने लिया है पावर प्लस मसल्स गेनर, 22 ग्राम प्रोटीन है, 25 ग्राम कार्ब्स है इसके अंदर, 2-3 किलो वजन बढ़ाएगा और मसल साइज बढ़ाएगा। इसी के साथ यहाँ पर भैया ने लिया है क्रेडीन और एनर्जी प्रो। तो एनर्जी प्रो आपका जो एनर्जी ड्रिंक है, और क्रेडीन स्ट्रेंथ गेन कराएगा, लिफ्टिंग पावर बढ़ाएगा। अगर आपको मसल साइज गेन करना है तो आपको लिफ्टिंग पावर मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, वजन थोड़ा ज्यादा उठाना है। तो ये सारी चीजें ली हैं भैया ने, यहाँ 4500 का है पावर प्लस मसल गेनर, 1500 क्रेडीन, 450 का एनर्जी प्रो। और भैया ने पहले ऑनलाइन मंगाया था, ऑनलाइन सेम डे मिल गया था, सेम डे डिलीवरी है दिल्ली NCR और जयपुर में, सेम डे। तो आप भी सेम डे मंगा सकते हैं, आप स्पेशल आए हैं भैया मिलने के लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ रंजीत भाई, जो बात वीडियोस में थी वही सेम है कुछ अलग? वही सेम है, एकदम सेम, कुछ अलग तो नहीं ना? कुछ अलग नहीं। और यार रंजीत भाई, मैंने ये सब कुछ बोलने के लिए पैसे तो नहीं दिए ना? कुछ नहीं दिया, मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ सारी बातें। सुन लो, भैया को पैसे दिए नहीं है, उल्टा लूंगा इनसे पैसे। भाई बिल दूंगा यार, पैसे क्यों नहीं लूंगा। तो यहाँ पर जो है भैया को मिला है ओरिजिनल GST बिल के साथ। तो दोस्तों ये GST बिल है, और यहाँ पर ये टी शर्ट शेकर सप्लीमेंट्स की तरफ से गिफ्ट है। और यहाँ आप नो डाउट देखें तो भैया ने पहले भी मंगाया था, पहले भी GST बिल मिला था भैया? हाँ पहले ही मिला है भैया, पहले भी, अब भी। टोटल मिला के भैया ने 1500-2000 रुपये भाई टैक्स के पे कर दिया, 18% टैक्स है इनके ऊपर। तो भैया से पूछूंगा क्या फर्क पड़ा, जहाँ सेहत का सवाल है पैसा देखना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जी सामान महंगा हो मगर सामान अच्छा मिलना चाहिए जी, अच्छा मिलना चाहिए। और भैया दिल्ली NCR में जो आजकल स्टीरॉयड का जल्दी बॉडी बनाने का ट्रेंड है, क्या कहना चाहोगे बच्चों को? वो सब नहीं लेना चाहिए, वो सब बेकार चीजें हैं, सब बेकार चीजें हैं। तो गलत चीज मत लो, ओरिजिनल चीज लो, सप्लीमेंट्स वाला से लो। तो आप भी विजिट करो सप्लीमेंट्स वाला, और नहीं करना चाहते विजिट तो ऑनलाइन कोरियर सर्विस कश्मीर से कन्याकुमारी तक अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, supplementswala.com विजिट करो, वहां पर आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो विजिट करें या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें। और सप्लीमेंट्स लाके आउटलेट्स अब ओपन हो रहे हैं हर जगह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी ऑर्डर करो पावर मास गेनर। और मुझे लगता है पता लग गया होगा कि पावर मास गेनर में मुझे कितना प्रॉफिट है कितना नहीं, वो मैं बताऊंगा नहीं, पर मैंने बता दिया सब में बराबर है। अगली बार मिलूंगा नई वीडियो में, नमस्कार।